नमस्कार, बॉलीवुड की श्री देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। धूम और धूम 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों के निर्देशक संजय गढ़वी का रविवार को निधन हो गया। वो 57 साल के थे। रविवार सुबह तकरीबन 8:45 पर घर पर चाय पीते हुए वो अचानक जमीन पर गिर गए थे और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। संजय गढ़वी अंधेरी इलाके की उसी बिल्डिंग ग्रीन एकर्स में रहते थे जहां श्रीदेवी रहा करती थी। वैसे तो बोनी कपूर पिछले एक साल से उस बिल्डिंग में नहीं रह रहे हैं, मगर उन्होंने पड़ोसियों के हवाले से इस बात की पुष्टि की कि संजय गढ़वी की आज सुबह मौत हो गई। घर में बेहोश हो जाने के बाद संजय गढ़वी को फौरन अंधेरी स्थित कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल संजय गढ़वी का शव अस्पताल में ही है। बता देते हैं कि संजय गढ़वी को किन फिल्मों से आखिर फेम मिली थी। दरअसल संजय के काम पर नजर डाले तो उन्होंने 2000 में फिल्म तेरे लिए से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। फिल्म नोटिस में नहीं आई थी। पहले इस फिल्म का नाम तू ही बता था, जिसमें अर्जुन रामपाल और रवीना टंडन लीड रोल में थे। हालांकि कम बजट के कारण फिल्म रुक गई थी। संजय को पहली बार फेम 2004 में मिला था। उन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म धूम डायरेक्ट की थी। फिल्म धूम में अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जॉन अब्राहम, ईशा देओल और रिमी सेन जैसे कई स्टार्स भी नजर आए थे। और ये मूवी जो 2004 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो कि सुपर डुपर हिट भी गई थी। इतना ही नहीं, संजय ने धूम 2, मेरे यार की शादी है और इमरान खान स्टारर फिल्म किडनैप को भी डायरेक्ट किया। इसके अलावा 2012 में उन्होंने अजब गजब लव डायरेक्ट की थी। फिल्म ऑपरेशन परिंदे को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। फिलहाल धूम और धूम 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों के निर्देशक संजय गढ़वी का हार्ट अटैक से निधन हुआ, जिसके बाद बॉलीवुड जगत में शोक की लहर देखी गई।